नमस्कार साथियों, बात करेंगे यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2023 के बारे में। अगर आप फीमेल हो, यूपी आंगनबाड़ी में जाना चाहती हो, तो आपके लिए जो भर्ती है वो 1100 पदों पे निकल के आ चुकी है। तो क्या इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा? क्या 10 पास फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं? इसके जो आवेदन फॉर्म है वो कहाँ पर मिलेंगे और कौन कौन से महिला हैं जो आवेदन कर सकती हैं? तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को सही तरीके से देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर आप लोग नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको यूपी आंगनबाड़ी से रिलेटेड कोई अपडेट हो आप तक मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो भर्ती है वो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर वाली भर्ती है। अगर आप पहले आवेदन करोगे तो पहले पाओगे, ठीक है? तो देखते हैं, ये सब तो आज की अमर उजाला न्यूज़पेपर में दिया गया है कि 1100 पदों पे आंगनबाड़ी की भर्ती होगी, ठीक है? तो जागरण संवाददाता प्रयागराज, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। प्रयागराज जिले में लगभग 1100 पदों भर्ती होगी। इसी महीने नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। विभाग की वेबसाइट पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसमें पद संख्या से लेकर आरक्षण व अन्य सभी विस्तृत जानकारी मिलेगी। भर्ती में कई पदों को प्रोन्नतित किया जाएगा, भरा जाएगा। मतलब कि भर्ती में लगभग 100%, जैसे आपकी भर्ती आएगी उसमें 50% महिलाओं को, जो भी भर्ती है जैसे भी है, उनको प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है? बाकी 50% पदों पे आपकी जो नई भर्ती है फ्रेश भर्ती ली जाएगी, ठीक है? तो इसमें और क्या है, कुछ पर समायोजन होगा। रिक्त पदों के लिए रोस्टरवार आरक्षण तैयार किया जा रहा है, ठीक है? 10 दिनों के अंदर यह प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो 10 दिनों के अंदर जो है यह भर्ती प्रक्रिया जो पूर्ण होगी, ठीक है? तो 15 अगस्त तक समायोजन के लिए मिले आवेदन पत्र की जांच पूरी की जाएगी। तो 15 अगस्त तक जो भी आवेदन मिलेंगे उसकी जो जाँच है वो सतो की जाएगी, और उसके बाद बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रक्रिया इस प्रकार आंगनबाड़ी में, मतलब कि जो भी प्रोसेस है आंगनबाड़ी, 50% पदों पर आंगनबाड़ी सहायकों को प्रोन्नतित, मतलब कि प्रमोशन देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाया जाएगा, जबकि शेष 50% रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी। जो DPO निदेश सिंह ने बताया है कि हम समायोजन पदों की संख्या आदि के पूर्ण विवरण का डाटा तैयार कर रहे हैं, वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अपलोड का होगा। तो ये जो वेबसाइट है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो टाइम टू टाइम आप लोग आंगनबाड़ी की जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहना, जिससे जैसे ही फॉर्म आए तुरंत सतो आप लोग अप्लाई कर दो, ठीक है? फॉर्म को तुरंत फिल कर दो। फिल करके सतो मैं सतो जैसे ही फॉर्म आएगा उसमें जो भी डिटेल से, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो भी चीज़ें होंगी, फॉर्म कहाँ फिल करना और फॉर्म कहाँ पे देना है, ये सभी चीज़ें आपको जो नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, जैसे फॉर्म आएगा वैसे आपको वीडियो मैं अपलोड करके पूरा प्रोसेस बता दूँगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप लोग नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको यूपी आंगनबाड़ी से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।